खरगोन शहर के लवकुश विहार कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अनीता राकेश शर्मा ने बताया कि दामाद ओम प्रकाश यादव मकान में ताला लगाकर रक्षाबंधन के लिए मुंबई गए थे। पड़ोसी ने सूचना दी कि मकान में चोरी हो गई है। मकान में आगे देखा तो अगले गेट का ताला टूटा हुआ था और मकान का सामान बिखरा हुआ है। चोरों ने अलमारी का लाकर तोड़ा और सामान बिखरा गए। अनीता शर्मा ने बड़ी चोरी की आशंका जताई है। दामाद के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि चोरी कितने की हुई है। हमें ये हमारे दामाद जी को कॉलोनी वालों ने फोन किया, उसके बाद में फिर खबर लगी तो इनके जेठ जी भी आए हुए, इन्होंने इनकी बहन को फोन किया, फिर हमने उनको फोन किया तो उनने फिर हमारे को फोन किया कि मम्मी आप घर जाकर के देखो। सुबह हमको जैसे ही फोन आया वैसे ही हम फिर यहाँ आए और यहाँ आकर के देखा तो मेन गेट का ताला लगा हुआ था और ये जो ये सेकंड वाला जो गेट है दरवाजा, इसका ताला बिल्कुल नॉर्मली ऐसा खुला हुआ था जैसे किसी ने चाबी लगा करके खोला, और अंदर आकर के देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज भी पूरी उसकी अलमारी के भी दरवाजे टूटे हुए थे, इधर भी सब सामान बिखरा पड़ा था, यानी सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बड़ी चोरी हो सकती जी, बड़ी चोरी होने की संभावना है क्योंकि प्रोडक्ट है वो भी बहुत महंगे हैं, और इसके अलावा क्या सामान था वो बेटी दामाद आने के बाद ही जब वो देखेंगे तभी पता लग सकता। ये कब गए थे यहाँ से? ये 13 तारीख को 5:30 बजे। यहाँ कोई नहीं था? यहाँ कोई नहीं था।